है दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट भी 20,000 रुपए का है और आप लोग अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो मार्केट में, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो क्योंकि इस कैटेगरी में, 20,000 रुपए की कैटेगरी में मार्केट इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आप लोग एक अच्छे स्मार्टफोन डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने भी खुद ये फील करा है, बहुत बार नोटिस करा है कि 20,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में मल्टीपल ब्रांड्स तो हैं लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन से वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। ज़्यादातर कंपनीज के स्पेसिफिकेशन सेम है, 25,000 से 30,000, 40,000, 50,000 में आपको स्पेसिफिकेशन अलग अलग मिलते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो यार आप में कौन सा स्मार्टफोन लेना है। बट इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो मैं आप लोगों के लिए 5 बेस्ट स्मार्टफोन लेके आया हूँ 20,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में। 2-3 स्मार्टफोन और मुझे लगे थे कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बट वो बहुत टाइम हो गया मैं लॉन्च हुए, तो इतने पुराने स्मार्टफोन मैं आपको बता के क्या ही करूँगा। तो लेटेस्ट स्मार्टफोन जो इस टाइम मार्केट में टॉप 5 20,000 रुपए की प्राइसिंग में, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आते लाइक करें बिना मत जाना, सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो बिना देरी करें वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई है, मैं 5th से स्टार्ट करूंगा, बढ़ते बढ़ते 1st पे आऊंगा। अगर बिल्कुल नीचे बेसिक से स्टार्ट करें तो 5th पे मेरे हिसाब से आता है Realme 10 Pro और 4th पे आएगा OnePlus Nord CE 3 Lite। अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जितना मैंने नोटिस किया ज़्यादा मेन डिफरेंस देंगे, मेन डिफरेंस है चार्जिंग का। 10 Pro में 33 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है और Nord CE 3 Lite में आपको 67 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। बात करें बैटरी कैपेसिटी की, दोनों में सेम है 5000 mAh की बैटरी। कैमरा दोनों में सेम देखने को मिलता है 108 MP का कैमरा। और दोस्तों मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप लोग मानो या ना मानो, इस प्राइस कैटेगरी में आप शायद मेगापिक्सल पे भरोसा कर सकते हो कि यार इसमें मेगापिक्सल ज़्यादा फोटो अच्छी आएगी, लेकिन 30-40-50 हज़ार तक अगर आप इतने पैसे फेंक रहे हो तो आप बिल्कुल भी मेगापिक्सल काउंट में मत जाना, क्योंकि आप लोगों को अगर पता हो तो एप्पल भी मेगापिक्सल काउंट में नहीं, कैमरा सेंसर और कैमरे की प्रोसेसिंग पे जाता है। अगर आपके स्मार्टफोन का कैमरा प्रोसेसर अच्छा है, कैमरे की प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है, सेंसर अच्छा है, लाइट अच्छी कैप्चर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली फोटो अच्छी आएगी। इसका मतलब ये भी नहीं है यार 0 MP कैमरा ले लो, ये बिल्कुल बेकार नहीं। कैमरा आपको होना चाहिए, डिसेंट ओआईएस वगैरह होना चाहिए, बट सेंसर ऑल्सो मैटर्स। तो आप लोग उस कैटेगरी में वैसे भी ज़्यादा कैमरे मेगापिक्सल कंपनीज भी नहीं खेलती, वो सेंसर ही बताती हैं सबको, बट स्टिल ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। तो नोट सी लाइट और आपका इसमें 10 प्रो में देख मिल जाता है 108 MP कैमरा, सामने की साइड है 16 MP की सेल्फी। अगर यहाँ पे बात करूँ डिस्प्ले की तो 120Hz की IPS LCD पैनल हमें दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ थर्ड पे, तो थर्ड में जो स्मार्टफोन आता है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, एक ऑलराउंड पैकेज आप इसे कह सकते हो। और ये 3 स्मार्टफोन है एक्चुअली, वीवो T2, IQ Z7 और IQ Z7S। नाम सबके अलग है, स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा ट्विस्ट है। IQ Z7 को आप लेफ्ट साइड में रखो और Vivo T2 और IQ Z7S को आप रखो राइट साइड में। सबके अंदर हमें सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। जो राइट साइड वाले स्मार्टफोन है यानी कि Z7S और T2, वहाँ हमें 695 देखने को मिल जाता है और वेयर Z7 में डायमेंसिटी 920। दोनों ही कमाल के स्मार्टफोन और दोनों ही कमाल के प्रोसेसर के साथ आते हैं। मैं पर्सनली आपको स्नैपड्रैगन 695 रिकमेंड करूँगा, लेकिन 920 यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि ये अराउंड 25,000 रुपये की प्राइसिंग हमें देखने को मिलता था लास्ट ईयर। बट मैं हमेशा क्वालकॉम का ही साथ देता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये दोनों स्मार्टफोन बेस्ट हैं, T2 और Z7S। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 64 MP का OIS कैमरा, 4500 mAh की बैटरी, 44W की चार्जिंग और कमाल का ये स्मार्टफोन है, 90Hz की AMOLED डिस्प्ले भी हमें देखने को मिल जाती है। तो एक ऑलराउंड आप पैकेज कह सकते हैं इस प्राइसिंग में। सेकेंड में जो स्मार्टफोन है वो मेरे हिसाब से आपका कैमरे पर फोकस नहीं है, मतलब कैमरा अच्छा है बट इतना फोकस स्मार्टफोन नहीं है, ना OIS है ना AMOLED डिस्प्ले। लेकिन ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस का काम है, अगर आप लोगों को हैवी गेमिंग करनी है, हैवी टास्क करने है, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए ही बना है, Redmi K50i। दोस्तों मजाक से हट के इसके अंदर हमें Antutu स्कोर 7.5 लाख से ऊपर के देखने मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डायमेंसिटी 8100 चिपसेट, जो कि 20,000 रुपये हमें देखने मिलती है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 144Hz की यहाँ पे हमें IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था गेमर्स के लिए है ये स्मार्टफोन, तो ये भी एक आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है 20 से 21 हज़ार रुपये की प्राइसिंग में। अभी तक मैंने आपको जितने स्मार्टफोन बताया सबकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी।
ऑल राइट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ नंबर वन स्मार्टफोन की, इस प्राइस कैटेगरी में नंबर वन स्मार्टफोन कौन सा है, वो है हमारी भारतीय कंपनी लावा का लावा अग्नि 2 5G। और दोस्तों आप लोग मजाक में लो या जैसे भी लो, ये स्मार्टफोन इस टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट है इंडियन मार्केट में। 120Hz की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 50MP का क्वाड कैमरा सेटअप भी है, 67W की चार्जिंग भी है, 5000mAh की बैटरी भी है, डायमेंसिटी 7050 के साथ आने वाला इंडिया का पहला स्मार्टफोन ये बन जाता है। और कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ साथ कमाल की UI भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन UI है, नो ब्लोटवेयर्स, नो एड्स, बिल्कुल क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम UI और डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट स्टिल स्मार्टफोन इज किलर इन दिस प्राइस रेंज। मैं तो आपको यही स्मार्टफोन रिकमेंड करूँगा, लेकिन गेमर्स के लिए K50i मेरे हिसाब से बेस्ट है। वैसे आप गेमिंग इसमें भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, मेरा जाइएगा बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। और खरीदने के लिए आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, जरूर से चेकआउट करिएगा।